गंगानगर जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर श्री करणपुर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि श्री करणपुर विधानसभा में 5 जनवरी को चुनाव होना है, जिसकी तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने आचार संहिता की पालना और नॉमिनेशन प्रक्रिया की उचित व्यवस्था करने पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की प्रशंसा की। इसी क्रम में बैठक के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने ईवीएम स्ट्रांग रूम और संवेदनशील मतदान केंद्रों का भी जायजा लिया। विधानसभा चुनाव जो है अभी एडजर्न हो गया था, उसको दोबारा कराया जाए। नॉमिनेशन का टाइम आज का जो मूल उद्देश्य था रिव्यू का, वो यही था कि आचार संहिता की अनुपालना कैसी होगी, साथ ही नॉमिनेशन की व्यवस्था क्या है। करणपुर के अंदर व्यवस्था थैंकफुली काफ़ी अच्छी है। SDM साहब के ऑफिस के अंदर भी जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया करनी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा रहा है। अपनी जो बाकी तैयारियाँ हैं पूर्ण रूप से चुनाव के दौरान जो जैसे पूरी हुई थी वो पूरी पूरी सेम रहेगी। होम वोटिंग यहाँ पर एक दिन हो गई थी, उसको बंद करके अब जो नया होम वोटिंग उसको दोबारा कराया जाएगा। पोस्टल बैलेट की जो व्यवस्था है उसकी भी एक बार देखा गया, उसकी क्या स्थिति चल रही है। कुछ क्रिटिकल बूथ बढ़ाए गए ये देखते हुए कि साहब क्योंकि चुनाव पूरे राजस्थान के अंदर के वजह पे है, उनका भी पर्सनली एक बार विजिट करना। सीजर्स जो है किसी प्रकार की अगर इलीगल एक्टिविटी है उसके ऊपर कार्रवाई हो और सीजर्स है उसको बढ़ाया जाए उसके संबंध में।